हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंटोनिम्स एमसीक्यू एक्सरसाइज, यानी कि अंग्रेजी में विलोम शब्द जिसको बोलते हैं हम लोग। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी विपरार्थक शब्द। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हाई। हाई मतलब होता है ऊंचा, तो इसका उल्टा हो जाएगा विलोम यानी विपरार्थक नीचा। तो नीचा का स्पेलिंग क्या होगा इसमें देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है लो, एल ओ डब्ल्यू, लो मतलब होता है नीचा। तो इसका पहला का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी ऑप्शन के भी बारे में चर्चा हो जा रहा है। तो देखिए, लॉस मतलब होता है हानि, वीक मतलब होता है कमज़ोर और पुअर मतलब होता है गरीब। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है इमोर्टल। इमोर्टल मतलब होता है अमर। ठीक है, अमर, तो इसका मतलब क्या होगा, मरणशील। तो इमोर्टल क्या हो जाएगा, मोर्टल। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोर्टल। बाकी जो ऑप्शन है इसको बारे में समझ लेते हैं। जस्टिस मतलब होता है न्याय, प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थिति, सुपीरियर मतलब होता है सबसे अच्छा सबसे बढ़िया। चलिए तीन नंबर देख लेते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब होता है आयात, मतलब जो सामान बाहर से विदेश ले आता है उसको आयात बोलते हैं, जो बाहर जाता है सामान हमारे देश से उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। ठीक है, तो आयात निर्यात होता है, तो इम्पोर्ट का हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है। और जो बाकी ऑप्शन आपका है अर्बन, अर्बन मतलब होता है शहरी, वेट मतलब होता है गीला, यंग मतलब होता है युवा। ठीक है, तो इसमें तीसरा का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आपका, तीसरा का सी ऑप्शन। चलिए चौथा आपका है इम्प्योर। इम्प्योर मतलब होता है अशुद्ध, इसका हो जाएगा शुद्ध, शुद्ध का होता है प्योर। तो प्योर इसमें क्या है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, चार नंबर के डी ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी जो ऑप्शन है इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, रिमेंबर मतलब याद करना, वेट मतलब गीला। तो चलिए आगे देखते हैं पाँच नंबर। पाँच नंबर क्वेश्चन है जस्टिस। जस्टिस मतलब होता है न्याय, तो इसका हो जाएगा अन्याय, तो हो जाएगा इसका इनजस्टिस, यानी कि पाँच नंबर का ए करेक्ट ऑप्शन सही है। और जो आपका है नैरो, नैरो मतलब होता है संकरा। ठीक है, मतलब जो कम जगह लेता है, मतलब पतला वाला होता है, जो जैसे कि पतली साइज को उसको बोलते हैं संकरा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ओपन मतलब होता है खोलना, एस मतलब हाँ हो गया। चलिए सिक्स नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन है काइंड। काइंड मतलब होता है दयालु, तो इसका हो जाएगा निर्दयी, क्रोएल। ठीक है, यानी कि सिक्स का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन आपका है लो, लो मतलब नीचा, मोर्टल मतलब मरणशील, गेन मतलब होता है प्राप्त करना। तो बाकी सब जो इसमें दिया गया है विकल्प, इसके बारे में भी आप लोग मीनिंग वर्ड तैयार कीजिए ताकि और अच्छा रहेगा आप लोगों को। तो देखिए, लूज, लूज मतलब होता है खोना, एल ओ एस ई, लूज, लूज मतलब होता है खोना। तो पाना होगा इसका विलोम शब्द उल्टा। तो लॉस ये जो है एल डबल ओ एस, लॉस मतलब हानि होता है, जो घाटा होता है ना, घाटा हानि बोलते हैं उसको, ये हानि हो गया। अब इसका हो जाएगा ओपन, ओपन माने खोलना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गेन, जी ए आई एन, गेन मतलब प्राप्त करना, आंसर मतलब उत्तर देना होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका लूज हो जाएगा, लूज का गेन हो जाएगा। चलिए आठ नंबर, लॉस, लॉस मतलब हानि होता है, जिसको घाटा बोलते हैं, कोई व्यापार सौदा करते हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा प्रॉफिट मतलब फ़ायदा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रॉफिट। बाकी जो अन्य ऑप्शन है, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, ठीक है, लॉस मतलब होता है आपका लॉस, एल ओ एस ई, अभी पढ़े हुए हम लोग। ठीक, एक लॉस मतलब होता है आपका हानि, और ये जो लॉस आपका है, लॉस मतलब होता है खोना, लूज, इसको बोलते हैं लॉस माने खोना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका हो जाएगा पुअर मतलब गरीब। तो इस तरह से आप लोग सभी ऑप्शन को भी देखेंगे तो और मतलब कई विकल्प मिलेगा आपको, तो अच्छे से पकड़ लेंगे आप लोग। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है नैरो। नैरो मतलब होता है संकरा। संकरा मतलब इसको बोलते हैं जो कि जैसे आप लोग जींस पैंट पहनते हैं कोई लोग, तो उसमें बोलते हैं कि नैरो साइज का मुझे चाहिए। नैरो मतलब पतला जो साइज होता है, उसका जो मोहरी होता है पैर का वो पतला में होता है, तो उसको बोलते हैं नैरो। ठीक है, तो नैरो मतलब कम साइज का होता है वो, तो इसका हो जाएगा वाइड मतलब चौड़ा हो जाएगा, वाइड मतलब चौड़ा हो जाएगा इसका विलोम। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ये हो जाएगा, इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब कि ये मतलब कि कोई अच्छा सामान क्वालिटी नहीं, उसको बोलते हैं मतलब घटिया क्वालिटी को। ठीक है, इन्फीरियर मतलब ख़राब होता है, तो इसका मतलब होता है ख़राब। रिच मतलब गरीब होगा है, परमानेंट मतलब अस्थाई होता है। ठीक है, तो नौ ऑप्शन का ए ऑप्शन करेक्ट है, नौ क्वेश्चन का वाइड। नैरो का हो जाएगा वाइड। ओपन मतलब होता है खोलना, शट मतलब होता है बंद करना। ठीक है, शट, एस एच यू टी, शट मतलब बंद करना। बाकी जो ऑप्शन है वाइड मतलब अभी पढ़े हम लोगों पर,
चौड़ा होता है। गेन मतलब अभी पढ़े हैं, जोर डालिए दिमाग पे, जिसको नहीं पता है। गेन मतलब होता है प्राप्त करना, प्योर मतलब शुद्ध करना। ताकि कोई जरूर नहीं कि हमेशा आपको यही देगा विकल्प में, तो मतलब क्वेश्चन यही पूछेगा तो विकल्प में यही देगा। हो सकता है ये भी ऑप्शन दे दे क्वेश्चन में, इसको दे दे विकल्प में, तो इधर उधर पलट सकते हैं आप, ठीक है, अपने हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पुअर। पुअर मतलब होता है निर्धन यानी गरीब, तो इसका हो जाएगा अमीर। तो अमीर का क्या होगा? रिच। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो है मोर्टल, मोर्टल पढ़े हम लोग, जो कि मोर्टल मतलब नश्वर होता है, मरणशील होता है। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब आयात होता है, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है, ठीक है। और हाई मतलब ऊंचा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं 12 का। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थिति, उपस्थित। और पुअर मतलब गरीब होता है। नैरो मतलब अभी पढ़े हम लोग, संकरा, जो कि पतला, जिसकी होता है चौड़ाई। और आपका ये स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है। और अब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थित। तो प्रेजेंट का हो जाएगा उपस्थित, तो हो जाएगा अब्सेंट मतलब अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित। 13 का क्वेश्चन आपका है प्रश्न में, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न। तो प्रश्न का विपरीत क्या हो जाएगा? उत्तर। तो उत्तर इसमें क्या है? आंसर। पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा आपका ऑप्शन इसमें। तो 13 नंबर का एक सही है। बाकी जो आपका है मोर्टल, अभी पढ़े हम लोग, तो इसका रिवीजन करते रहिए आप लोग। मोर्टल मतलब मरणशील होता है। काइंड मतलब दयालु। लॉस, लॉस मतलब हानि होता है। LOSS, लॉस मतलब हानि नहीं, इसका मतलब होता है खोना। लॉस मतलब खोना होता है। और जो LOSS होता है, लॉस मतलब हानि होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है खोना। चलिए आगे 14 नंबर, रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद करना, तो भूलना होगा इसका विलोम, ठीक है, तो हो जाएगा फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूलना। इसका मतलब होता है प्रश्न, इसका मतलब उत्तर। जस्टिस मतलब न्याय। तो 14 का हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन सी, नहीं सॉरी, 14 का हो जाएगा आपका रिमेंबर मतलब याद करना, तो विलोम हो जाएगा इसका फॉरगेट। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर, सुपीरियर मतलब होता है बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। और इसका मतलब होता है घटिया, मतलब कि खराब क्वालिटी का, उसको बोलते हैं खराब। तो हो जाएगा इन्फीरियर। सुपीरियर का हो जाएगा इन्फीरियर। बाकी है आपका जो ऑप्शन ड्राई मतलब सूखा होता है, रूरल मतलब देहाती होता है आपका, और ओल्ड मतलब जानते हैं पुराना होता है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम्पल का। देखिए अगला है मेरा टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी मतलब होता है अस्थाई, जैसे कोई चीज़ अस्थाई होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब अस्थाई हम लोग घर अपने गांव पे है, जैसे कहाँ रह रहे हैं, जहाँ जन्म हुआ है, कहीं जाकर बाहर बस गए, उसको टेम्प्रोरी बोलते हैं। 10 साल 15 साल रहेंगे, फिर अपने स्थान पर चले जाएँगे, ठीक है, उसको अस्थाई बोलते हैं। और जहाँ पे स्थिर हमेशा रहता है वो, उसको अस्थाई बोला जाता है, ठीक है। तो टेम्प्रोरी का हो जाएगा आपका परमानेंट, अस्थाई हो जाएगा परमानेंट। परमानेंट मतलब होता है कि अस्थाई पता उसका है, अस्थाई है वो। सुपीरियर मतलब सबसे अच्छा। इमोर्टल मतलब मोर्टल का मरणशील, ये हो जाएगा अमर। इमोर्टल मतलब होता है अमर, ठीक है। और ये आपका एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है। चलिए 17 नंबर, अर्बन। अर्बन मतलब होता है शहरी। अर्बन मतलब जो शहर के लोग होते हैं शहरी। तो रूरल, रूरल मतलब होता है देहाती। कोई शहर का है, उसका विपरीत क्या होगा? देहाती है वो, ठीक है। तो रूरल, रूरल मतलब देहाती होता है। बाकी जो आपका ऑप्शन है, ओपन मतलब खोलना, अब्सेंट मतलब अनुपस्थित, फॉरगेट मतलब भूलना। 17-18 का देखिए, वीक मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। तो स्ट्रांग मतलब होगा मजबूत। बाकी आपका ऑप्शन है वेट मतलब गीला, लो मतलब नीचा, मतलब हाई का विपरीत दिया यहाँ पे लो, ठीक है। गेन मतलब प्राप्त करना। तो 18 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर वेट मतलब गीला, भींगा होता है, गीला होता है। तो सूखा होगा इसका ड्राई, DRY, ड्राई मतलब सूखा। बाकी जो ऑप्शन है रिच मतलब जानते हैं आप लोग, ठीक है। वाइड मतलब अभी पढ़े हम लोग ऊपर में, क्रोयल मतलब पढ़े हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ताकि आप लोगों को और भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता है तो अच्छे से आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो बताइए यंग मतलब देखिए यहाँ पे जवान, युवा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? बुढ़ा। कोई जवान है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बुढ़ा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 20 का डी ऑप्शन, ओल्ड। ओल्ड मतलब बूढ़ा। अब इसको देखिए, मोर्टल मतलब होता है मरणशील, आंसर मतलब उत्तर देना। और ये जो आपका ऑप्शन है रूरल, रूरल मतलब होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएंगे कि इसका हिंदी क्या होता है, क्योंकि इसका वीडियो में मैंने बताया था। तो ये आपका, ये आज का होमवर्क है, रूरल मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।